चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको राजधानी भोपाल से ही बता रहे हैं, जहां पुलवामा में शहीद सैनिकों की पुण्यतिथि, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि देगी। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन पुलवामा में हमारे देश के वीर सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे, और आज उनकी बरसी है, और हर साल उनकी बरसी पर उनकी याद किया जाता है। ब्लैक डे के रूप में भी जो है उस दिन को मनाया जाता है, याद किया जाता है वीर सैनिकों को। तो उसी के तहत आज जो है राजधानी भोपाल में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, और आज तो वैसे 14 फरवरी है, पूरा देश इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाता है, और भारतवासी पुलवामा के दर्द को आज तक नहीं भूल पाया है, जिस प्रकार से 40 जवान इस हमले में शहीद हुए थे। ज़्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ शबाना जुड़ चुकी है फोनों पर, उनसे इस खबर की जानकारी ले लेंगे। शबाना, पुलवामा में जो अटैक हुआ जिसमें 40 जवान हमारे देश के शहीद हो गए थे, आज जो है उसे कई साल पूरे हो रहे हैं, और ऐसे में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस भी आज पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देगी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की जो है पुण्यतिथि है, ऐसे में जो है पूरा देश जो है आज अपने सैनिकों को याद कर रहा है और उनको श्रद्धांजलि देगा। मध्य प्रदेश में पूर्व सैनिक और जो है सोशल वेलफेयर फाउंडेशन भी इसी क्रम में आज जो है सैनिकों को श्रद्धांजलि देगा। लगभग सुबह 10 बजे शौर्य स्मारक पर जो है पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है। इसमें जो है कांग्रेस पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे और सैनिकों को याद करते हुए यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहाँ पुलवामा में शहीद सैनिकों को आज शौर्य स्मारक पर मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्हें याद किया जाएगा, और ब्लैक डे के रूप में हमारा देश इस दिन को मनाता है, तो ऐसे में उन तमाम सैनिकों को याद किया जाएगा।